भागलपुर की, जहां एक 10वीं के छात्र राजा राम ने जवानों को लैंडमाइन से बचाने के लिए डिवाइस बनाने का दावा किया है। इसके लिए उसने एक जूता भी बनाया है। 16 साल के राजा राम का कहना है कि अगर जवान इस जूते को पहनकर लैंडमाइंस पर पैर रखते हैं तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, और अगर कोई और जैसे आतंकी इस पर पैर रखेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। राजा राम सलेमपुर सैनी गांव का रहने वाला है। उसका कहना है कि इस डिवाइस को उसने खुद से रिसर्च करके बनाया है। उसके पिता मजदूर हैं। राजा राम ने इस डिवाइस को गुप्त रखा है। वो उस डिवाइस को प्राइवेसी सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। इस डिवाइस को बनाने में करीब 2000 के आसपास का खर्च लगा है। करीब 5 महीने में इस डिवाइस को बनाया है। राजा राम ने अपनी डिवाइस के लिए सरकार से मदद मांगी है। लैंडमाइंस के साथ साथ राजा ने एक जूता बनाया है, इसको पहनकर लैंडमाइन से बचा जा सकता है। एक्सप्रेटिंग के दौरान राजा राम ने जूता पहना, माइंस के ऊपर पैर भी रखा, लेकिन माइंस ब्लास्ट नहीं हुई। चंद सेकंड बाद एक अन्य ने उस माइंस के ऊपर पैर रखा। माइंस में सेट पटाखा वाला बम लाइव कैमरे पर ब्लास्ट हो गया। राजा राम ने बताया कि सारा कमाल उस जूते का है। उस जूते में मैंने एक ऐसा डिवाइस लगाया है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अगर सरकार मुझे प्लेटफॉर्म दे तो मैं देश के जवानों के लिए वैसे हजारों जूते बना सकता हूं। इसको पहनने के बाद जवान माइंस पर पैर रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आतंकवादी के पैर रखते जोर का धमाका होगा। राजा राम ने बिहार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पिता अभय राम मजदूर ही करते हैं। सरकार मुझे आर्थिक मदद दे तो मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूं।